एक बहुत अच्छी लाइन आई है जिसपे गीत लिखा है, कहीं ऐसा न हो जा पुरानी हो मुलाकात हमें सोने नहीं दे, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं दे, सुहानी चांदनी हमें सोने सुहानी चांदनी रात हमें सोने सभी से निवेदन है जहां तक कीर्तन प्रेमी लोग बैठे हैं हम आपसे बोल रहे हैं कि लाइन सुनी नहीं होगी तो हम सुना रहे हैं। पूजनीय श्री राम सूरज जी द्विवेदी भगवान जिला छतरपुर लिख रहे हैं और गीत गाया है राखी आजाद जी ने, कीर्तनकार बहुत अच्छे। लाइन की बात सुने आप, जब सीता मैया धरती में समा गई, प्रयास कर रहे हैं कि जो यहां नहीं सुना होगा इस मंच से वो सुना रहे हैं इसीलिए सब लोग सुने। सीता मैया धरती में समा गई, भगवान राम अपने महल में अकेले खड़े हैं और भगवान को याद आ गई है तो भगवान कह रहे हैं कि सीते जब से तुम चली गई हो हमारी क्या हालत है। अब लाइन सुने ध्यान चाहेंगे, कहा भगवान राम ने कि सीते कक्ष सोने का सोने कहा भगवान राम ने सीते हमारी हालत क्या है। सभी लोग शब्दों पर ध्यान दें, बड़ी क्षमा चाहते हैं, सभी लोग सुने नई बात सुनाने का प्रयास। कक्ष सोने का सोने का, एक तो सोने का और फिर सोने का, और इस पूरे गीत में एक शब्द आया है सोना, उस पर सोना कितनी खूबसूरती से लिखा गया है और ध्यान इतना चाहेंगे। केवल एक शब्द पूरा गीत लिखा है सोने पे सोना। पूजनीय अद्भुत प्रतिभा है पूजनीय राम सूरज द्विवेदी महाराज, बहुत बड़े कीर्तनकार हैं और बहुत शानदार लेखनी लिखते हैं। सुने आप, कक्ष सोने का सोने का, पलंग सुखदाई सोने का, सीधे लेकिन गया सोने पे जब सोने, गया सोने पे जब सोने, समय था जग के सोने, सीते महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं दे। जब से आप गई हो सीते, ये सोना सोने का जो महल है हमें जहर सा लगने लगा है, इसीलिए कहा भगवान राम ने कि सीते कुल के ईमान का पानी,
पुल के ईमान का पानी हमें सोने नहीं देता, महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं देता, महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं देता। एक कनक भवन है ना सोने का, उसमें सोने का पलंग भी है, लेकिन हम सो नहीं पा रहे हैं तुम्हारी याद में, कहा राम ने भगवान ने। अब एक अंतरा में सोना, देखें आप सोने शब्द का कितना बढ़िया प्रयोग किया है। फिर कहा भगवान ने, सीते याद है, सोने के घट से तू जन्मी, चला भव चला हल भूप सोने का हल चलाया गया, और जिस घट में तुम आई थी वो भी सोने का था, पूरे गीत में सोना है। सोने के घट में तू जन्मी, चला हल भूप सोने का। और जब वनवास में गए सीते याद होगा, तब भी सोने ने पीछा नहीं छोड़ा, सोने की सोने से दूर थे वन में, वहां मृग भी था सोने कहां जाए, सोने की नगरी मृग मेरा सोने का। और उसके बाद तुम याद करो सीते, जब तुम्हें रावण हर के ले गया, सोने की नगरी में हर के गया रे भूप सोने। उसके बाद तुम गई तो सोने की लंका में गई, और लंका वाला भी सोने का मालिक रावण, तो फिर भी सोने में पहुंच गई। क्या सुंदर रचना हुई है, सोने की नगरी में हर के गया रे सोने, और सोने पाया न जब देखा, सोने पाया न जब देखा तुम्हारा रूप सोने। जब आपको देखा रावण ने तो उसकी भी नींद खराब हो गई, इसीलिए कहा भगवान राम ने कि सीते सोने वाला वो अभिमानी, कि सोने वाला वो अभिमानी हमें सोने नहीं देता, महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं देता, महल सोने का महारानी हमें सोने नहीं देता। अंतिम लाइन आई है, बिल्कुल आखिरी लाइन, इस अंतरा में भी केवल एक शब्द आया है सोना। इसलिए ऐसे गीत बहुत मेहनत से लिखे जाते हैं, और हमारे विलक्षण प्रतिभा के धनी है पूजनीय रामसूर जी महाराज, भगवान जिला छतरपुर, बहुत अच्छी कीर्तनकार है, कई गीत सुने हुए हैं, नहीं सुने होंगे तो आप यूट्यूब पर सर्च करना, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। फिर कहा भगवान राम ने कि सीते ध्यान है, सोने की देह धरवाए,
कनक भूदराकार शरीरा। सीते जब हनुमान जी महाराज लंका गए थे ना तो समय उनका भी रूप था सोने का, लिखा है ना कनक भूदराकार शरीरा, इसलिए लाइन आई है सोने की देह घर आए नगर है जारा सोने का। सोने का शरीर लेके गए सोने की लंका जला दी। उसके बाद कि सोने वाला भी मारा मैंने कुंभकर्ण, कि सोने वाला भी मारा मैंने राजा भी मारा सोने। सीते आज क्या ध्यान, भगवान ने कहा सोने क्यों सोने को गोद में मां की चली तू छोड़ कर सोना, जहां से आई थी वही चली गई, और इतना जो सोना चली सब छोड़ के और सोने चली गई हो मां की गोद में धरती माता की। सोने को गोद में मां की चली तू छोड़ कर सोना, सोने का और सोना पाए हैं हम अब भी। भगवान ने कहा राम ने कि सोना पाए हैं हम अब भी करें क्या जोड़ कर सोना। क्या फायदा है राज में, क्या फायदा है सोने चांदी में, क्यों सोने का रूप शैतानी। तब से आज भी कहावत है ना, सोना गिर जाए तो खराब और सोना मिल जाए तो खराब। सोने का रूप शैतानी हमें सोने नहीं दे, दुबे दी जैसा अज्ञान, दुबे दी जैसा अज्ञान हमें सोने नहीं देता, महल सोने का महारानी हमें सोने बोलो राम राजा सरकार की। तो छोटा सा प्रयास था